हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जनसंख्या पारिस्थिति के अंदर हम डिस्कस करेंगे उत्तरजीविता वक्र यानी कि सर्वाइवल शिप कर्व्स के बारे में। तो अगर हम बात करें सर्वाइवल शिप कर्व या फिर उत्तरजीविता वक्र, तो यह किसी जनसंख्या में उन व्यक्तियों की संख्या का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व होता है जिनके किसी विशिष्ट आयु तक जीवित रहने की उम्मीद की जा सकती है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक ग्राफ बनाया जाता है और उस ग्राफ के अंदर कि कौन सा जीव जो है एक स्पेसिफिक जो विशिष्ट आयु है उस तक जीवित रह सकता है, उसकी एक उम्मीद की जाती है कि इतने साल तक ये जिएगा, उसके बेसिस पे ही ये कर्व बनती है, ये वक्र बनाया जाता है। आमतौर पर उत्तरजीविता वक्र तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पे प्रकार वन, या फिर इसको उत्तल वक्र यानी कि कन्वेक्स कर्व बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे होता है प्रकार टू यानी कि विकर्ण यानी कि डायगोनल कर्व। तीसरा यहाँ पे होता है प्रकार थ्री यानी कि अवतल यानी कि कनकेव कर्व। अब यहाँ पे जो हमने नाम लिए हैं ये सारे क्या है, इसके अकॉर्डिंग ही इसकी शेप होती है, ठीक है। कन्वेक्स की शेप यहाँ पे कन्वेक्स जैसी वक्र बनेगी, डायगोनल जैसी बनेगी और कनकेव जैसी बनेगी। तो ऐसे टाइप के इसके अंदर क्या है, जैसे टाइप वन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बनती है शेप कन्वेक्स टाइप की, ठीक है। यहाँ पे कन्वेक्स टाइप की ऐसी शेप बन गई। इसके बाद अगर हम टाइप थ्री की बात करें तो उसके अंदर कनकेव टाइप की बन गई और एक यहाँ पे टाइप टू की डायगोनल टाइप की बन जाएगी। तो ये क्या है, ये इन शेप के बेसिस पे ही इनके नाम है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है टाइप वन। तो टाइप वन या फिर कन्वेक्स टाइप कर्व की अगर हम बात करें तो यह व्यक्ति अपने जीवन चक्र के दौरान उत्तरजीविता, तो यहाँ पे क्या है, उच्च उत्तरजीविता यानी कि हाई सर्वाइवरशिप प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर अगर हम ग्राफ के अंदर ऑब्जर्व करें तो ग्राफ यहाँ से इस साइड यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एक लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर, एंड इस साइड यहाँ पे ली है एज। तो यहाँ पे ये यंग है और यहाँ पे जाके ये ओल्ड है। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर है, तो यहाँ पे नंबर क्या है, 1000 है, और ये 1000 नंबर यहाँ तक बिल्कुल स्टेबल रहा है, फिर एकदम से यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे पूरी लाइफ के अंदर यहाँ तक क्या है, बिल्कुल उच्च उत्तरजीविता ये शो करता है, प्रदर्शित करता है। लेकिन जब ये ओल्ड एज के अंदर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे यंग था फिर एडल्ट हुआ, और ये ओल्ड एज के अंदर जब आता है तब इसके अंदर यहाँ पे डेथ होनी स्टार्ट होती है। तो इस टाइप वन के अंदर क्या है, हाई सर्वाइवलशिप देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है कि रणनीति की जो प्रजातियां हैं उनके लिए संभव होता है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर जो की रणनीतियों की प्रजातियां होती है उनके अंदर आर जो है वो बिल्कुल कम होता है, निम्न होता है। पेरेंटल केयर जो है वो हाई होती है, पेरेंटल केयर जो है माता पिता की देखभाल वो हाई होती है। जनसंख्या का जो नंबर है वो भी क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं फ्यू इन नंबर होता है, कम इन नंबर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये के रणनीति प्रजातियों के लिए इस प्रकार का ये कर्व जो है ये संभव होता है, जहां माता पिता की देखभाल अधिकतम पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे हाथी हो गया, मनुष्य हो गया, वार्षिक पौधे हो गए और बड़े आकार के जानवर जो हो गए, जैसे कि हाथी ही हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी शो करते हैं टाइप वन का कर्व यानी कि कन्वेक्स टाइप का कर्व। इसके बाद यहाँ पे थर्ड टाइप का कर्व हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो टाइप वन है उसके अपोजिट ही यहाँ पे टाइप थ्री पाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम टाइप थ्री यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टाइप थ्री की अगर हम बात करें तो टाइप थ्री जो है ये कैसा होता है, ये अवतल वक्र होता है, कनकेव वक्र ये होता है। तो इसके अंदर अगर हम ग्राफ के अंदर देखें तो यहाँ पे ये यंग है और यहाँ पे ये ओल्ड है। तो यहाँ पे एकदम से नंबर जो है वो ज्यादा था, बर्थ ज्यादा हुए हैं यहाँ पे, लेकिन एकदम से ही नंबर क्या होगा, यंग एज के अंदर ही बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गया है और फिर धीरे धीरे जाके ये बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल हुआ है ओल्ड एज के अंदर जाकर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेरेंटल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर जो है वो हाई होता है, आर हाई होगा, बर्थ रेट भी यहाँ पे क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स भी क्या होंगे, या फिर नंबर है वो भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। और पेरेंटल केयर यहाँ पे, क्योंकि इतने जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, इतने जो यहाँ पे संतति होगी, उनके अंदर पेरेंटल केयर माता पिता देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे पेरेंटल केयर क्या होती है वो बिल्कुल लो होती है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, एकदम से यहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर डिक्लाइन देखने को मिलता है।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो एक प्लांट की बहुत सारी सीडलिंग्स होती है, उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उगते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है तो वो बहुत सारे मोस्टली पौधे उनमें से नष्ट हो जाते हैं। तो वो क्या है, एक टाइप थ्री का ही एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति जो है कम उम्र के अंदर यंग एज के अंदर बहुत अधिक मृत्यु दर यानी हाई मोर्टिलिटी प्रदर्शित करता है। इसके अंदर आर रणनीतियां वाली स्ट्रेटजीज वाली प्रजातियां के लिए ये संभव होता है, जैसे कि हमने टाइप वन देखा था वो के लिए था, और ये क्या है यहाँ पे ये आर के लिए, जो आर स्ट्रेटजिक स्पीसीज होंगी उनके लिए ये कार्य संभव होती है, जहाँ अधिकतम ऊर्जा जो है बिना किसी माता पिता की देखभाल के रिप्रोडक्शन के अंदर लगा दी जाती है, क्योंकि यहाँ से पेरेंटल केयर यहाँ पे बहुत कम होती है। एग्जाम्पल के जैसे कि पेड़ हो गए, तितली हो गई, सीप यानी ओइस्टर हो गए, या फिर छोटी मछलियां हो गई, तो ये सभी क्या करते हैं, टाइप थ्री या फिर अवतल वक्र शो करते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप टू के बारे में, तो टाइप टू की अगर हम बात करें तो ये विकर्ण वक्र होता है, यानी कि डायगनल वक्र कर्व ये होता है। तो इसके अंदर समय के साथ व्यक्तियों की मृत्यु का अनुपात स्थिर रहता है, तो यहाँ पे जितने बर्थ रेट होंगे उतनी ही यहाँ पे ऑलमोस्ट डेथ होती है, तो इसके अंदर जो मृत्यु का अनुपात है वो स्थिर होता है। अधिकतम मृत्यु जो है मध्य चरण में यहाँ पे देखी जाती है, जब यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इसका जो है एज का जो मध्य चरण होगा, मिड एज होगी, उसके अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा मृत्यु देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए पक्षी, काली पूंछ वाला हिरण, तो ये एग्जाम्पल आते हैं टाइप टू के, जो कि डायगनल कर्व शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों ही कर्व के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर हम इनको समराइज करें तो सबसे फर्स्ट है टाइप वन। टाइप वन के अंदर देर से नुकसान होता है कि यहाँ पे क्या है, यंग एज के अंदर सर्वाइवल ज्यादा होता है। अपने जीवन चक्र के दौरान ये उच्च उत्तरजीविता शो करते हैं, के रणनीतियां प्रजातियां ये होती है, और इनके अंदर जो पेरेंटल केयर होती है वो ज्यादा होती है, अधिकतम होती है। एग्जाम्पल के लिए बड़े आकार के जानवर जैसे हाथी, मनुष्य, वार्षिक पौधे, ये सभी आते हैं टाइप वन के अंदर। टाइप थ्री के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रारंभिक हानि होती है। इसके अंदर क्या होता है, यंग एज के अंदर ही ज्यादा यहाँ पे लॉस हो जाता है, और फिर जो युवा आयु है उसके अंदर उच्च मृत्यु दर देखने को मिलती है। आर रणनीतिकार जो प्रजातियां होती है उनके अंदर यहाँ पे ये टाइप थ्री देखने को मिलता है कार, और यहाँ पे पेरेंटल केयर जो है बिल्कुल लो होती है। एग्जांपल के लिए पेड़, तितली, ऑयस्टर और छोटी मछलियां। टाइप टू के अंदर लगातार नुकसान यहाँ पे चलता रहता है, और अधिकतम मृत्यु दर जो है यहाँ पे मध्य चरण के अंदर, मिड एज के अंदर होती है। एग्जाम्पल के लिए पक्षी और जो ब्लैक टेल्ड डियर होता है, काली पूंछ वाला हिरण होता है, वो आ गया टाइप टू के अंदर। तो यहाँ पे हमने तीनों ही टाइप की सर्वाइवलशिप कर्व्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।